सोमवार 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम लीला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। पूजा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, पीएम मोदी समेत 6 यजमान शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान से अनुष्ठान पूरा किया। पीएम मोदी ने कमल के फूल से पूजा अर्चना की, भगवान राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की आंखों से पट्टी हटाई गई। 51 इंच की नई मूर्ति को पिछले सप्ताह ही राम मंदिर में रखा गया था। अंत में पीएम ने रामलला के चरणों में साष्टांग प्रणाम भी किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी यजमानों का सम्मान किया गया। श्री राम जन्मभूमि में तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। इसके बाद यही मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान व्रत भी खोला। पीएम मोदी को निर्मोही अखाड़ा के स्वामी गोविंद गिरी महाराज ने चम्मच से जल पिलाया। मोदी इसके बाद कुबेर टीला गए, यहां भगवान शिव का जल अभिषेक भी किया। इस दौरान वे मंदिर निर्माण में शामिल मजदूरों से मिले और उनके ऊपर फूल भी बरसाए, साथ ही जटायु की मूर्ति का अनावरण भी किया। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे खास जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे